नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप वशीकरण कर करके थक गए हैं और आपका वशीकरण सफल नहीं हो पा रहा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह आप वशीकरण करें और सफल हो जाएं, और वो व्यक्ति जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं वो आपका अपना बन जाए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी विधि जिसे स्त्री या पुरुष कोई भी बड़े आराम से कर सकता है, और वो है मात्र एक तुलसी का पत्ता। जी हाँ, तुलसी के पत्ते का प्रयोग हम इसे वशीकरण में कर सकते हैं, परंतु मैं एक बात बता दूं कि ये इतना प्रचंड वशीकरण है, इतना शक्तिशाली है कि इसको उतारा नहीं जा सकता। अगर ये वशीकरण आपने एक बार कर दिया तो इस वशीकरण को तोड़ा नहीं जा सकता, और इसका प्रयोग आपने शुद्ध मन और साफ भावना से करना है। इसका प्रयोग दोस्तों जरूर करें और अपने प्यार को अपना बनाएं। आपका कोई दोस्त है जो आपको पसंद है लेकिन किसी कारणवश आपसे रूठ गया है, तो एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है आपको बताऊंगी जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वशीकरण को करने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है एक तुलसी का पत्ता। जो हाँ, मात्र एक तुलसी और उस इंसान के घर के आगे की मिट्टी जिससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। आप तुलसी के पत्ते को जीभ के नीचे रखें और उस व्यक्ति का नाम लें जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं या फिर अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद आपने उस मिट्टी को और उस पत्ते को एक लाल कपड़े में डालकर एक मोमबत्ती के ऊपर से 11 बार घुमाना है। ध्यान रखिए, मोमबत्ती के ऊपर से घुमाते हुए आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, और वो मंत्र है ओम भगवते नमः। जी हाँ, मैं एक बार और बता देती हूँ, ओम भगवते नमः। और फिर उस कपड़े पर फूंक मार देनी है, और उसके बाद आपने उस कपड़े को 3 दिन तक अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ उसे कोई देख न सके। यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय करने के साथ ही वो व्यक्ति जो आपसे नाराज है या जिसे आप वश में करना चाहते हैं वो आपके वशीभूत हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार अपना मंत्र जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। गुरु माता जी से अपना मंत्र ले सकते हैं आप। जय माता दी।